माननीय अध्यक्ष जी, अधीर जी को जो बोलना है वो बोल सकते हैं। सिर्फ सदन का रिकॉर्ड देश और दुनिया के लिए ऑथेंटिक होता है, इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि इतना बता दे कि मैं सिर्फ अखबार के हवाले से कह रहा हूं, ये कोई अधिकृत बात नहीं है। बाद में जो बोलना है बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अखबार पढ़कर इतनी बड़ी बात जो देश की सीमाओं के साथ जुड़ी है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सदन में नहीं रखनी। कह चुके हैं सर, आपने शायद सर अमित शाह जी आपने शायद नहीं सुने होंगे। मैंने कह दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई, मैंने कह दिया था, मैं कोई गुमराह करने वाला बात नहीं कहता, मैंने कह दिया था, जिक्र कर दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई। अच्छा, नवंबर में आपका लद्दाख में वांगचुक उपवास करते थे, वो क्या कहे वो भी आप सुन लिया करो। अच्छा, कंचुक चेंजिन तत्कालीन भाजपा शासित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के स्वतंत्र सदस्य, क्षेत्र के सर्वोच्च निर्वाचित संस्था, क्या कहना है कि बफर जोन के निर्माण में स्थानीय लोगों की अपने पशुओं के लिए चरागाह भूमि तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है और नहीं जा पाते हैं। दिसंबर में गैर कानूनी घुसपैठ के प्रयास में चीनी दल 9 दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर के स्वयं क्षेत्र में हमारे सशस्त्र बलों के साथ 17,000 फीट की चोटी पर अवैध रूप से कब्जा करने की दृष्टि से भीड़ गए। सेना जैसे कि बताया गया 300 से अधिक चीनी दल हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक निर्लज्ज डिजाइन के साथ आए, जिसे हमारे सशस्त्र बल की वीरता से सफल पूर्वक खदेड़ दिया था। हमारे सेना की वीरता, हमारी सेना की दृढ़ता, यह हमारी सेना के लिए हमारे अहंकार, हमारे नाच की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप बताइए, खुलकर क्यों नहीं सदन में चर्चा हो रहे हैं? आप एक काम कीजिए ना, जवाहरलाल नेहरू को किसी ने बताया था कि सेक्रेट सेशन करो, जवाहरलाल नेहरू जवाब में कहा था कोई सेक्रेट सेशन नहीं होगी, हम खुले आम चर्चा करेंगी, ये हिम्मत आप क्यों नहीं दिखा सकते? हमारे पीएम मोदी ने 2014 के बाद से 18 बार चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की है और हमारे बीच सैन्य स्तर की वार्ता की दौड़ 17 बार हो चुके हैं। गलवान के बाद से चीनी आयात हिंदुस्तान में 45% का वृद्धि हुई या नहीं, आप बताओ। गलवान में हमारे 20 जवान अपने आहुति दे चुके, प्राण को आहुति देने के बाद चीनी के साथ हमारे ये कारोबार में इतना बढ़ोतरी कैसे आ रहा है कि 45% वृद्धि होते हैं? चीनी ने पीएम केयर्स फंड में दान दिया और आप सही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर निकालेंगे। चीनी ने पीएम केयर्स फंड में दान दिया और 3,560 भारतीय कंपनियों में चीनी निर्देशक है। आप बताइए, ये छोटे छोटे हमारे प्रश्न है। सर मेरा और एक बात कहना है, सर हिंदुस्तान में मैंने पहले भी कहा कि जहां 14% मुसलमान होते हैं, वहां मुसलमानों को क्यों इस तरीके की नफरत की निगाह से देखा जाते हैं? मैं ये जरूर सवाल पूछूंगा, क्योंकि सर अगर खुशवंत सिंह जी, हमारे देश के एक जाने माने पत्रकार खुशवंत सिंह जी, उनका कहना है इंडियन फ्रीडम इज रिटन इन मुस्लिम ब्लड सिंस देयर पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज मच मोर इन प्रोपोर्शन टू देयर स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम सही बताओगे, आप कहेंगे कि हम मुसलमानों को चापलूसी करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं इतिहास की गवाह देना चाहते हैं, आप इतिहास को विरूपण करते हैं, इतिहास को छेड़छाड़ करते हैं, आप हमारे स्थिति लोप करने की हर संभव प्रयास करते हैं, एक एमनेशिया तैयार करना चाहते हैं, हाँ को ना को हाँ करना चाहते हैं, नई हिंदुस्तान की बात करते हैं। नई हिंदुस्तान में अगर सबसे जोखिम में अगर कुछ है, वो है हमारा अधिकार। हिंदुस्तान में सबसे जोखिम हालत में है हमारा अधिकार। ये हमारे अधिकार को
हमारे अधिकार को छीन लिया जाते हैं, हमें कर्तव्य सिखाए जाते हैं, लेकिन कर्तव्य के पहले हमारा अधिकार क्या है ये तो बता दीजिए।